एसवाईएल पर पंजाब से लेकर हरियाणा तक जारी है नेताओं का सियासी ड्रामा। इनेलो के अभय चौटाला के जंतर मंतर पर धरना देने की चेतावनी को बीजेपी और कांग्रेस ने बताया सियासी चाल। पंजाब चुनाव में बड़ा मुद्दा है एसवाईएल। सिरसा में डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम की चौखट पर जारी है नेताओं की दस्तक। पंजाब बीजेपी और अकाली समेत हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने लगाई हाजिरी। पंजाब में मालवा क्षेत्र में डेरा मुखी का है खासा दबदबा। किसानों की आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस। फसल बीमा स्कीम लागू करने पर किए सवाल। फसल बर्बाद होने पर किसानों के हालात को सुप्रीम कोर्ट ने बताया चिंताजनक। पंचकुला में नाडा साहिब गुरुद्वारे के पास 7 दुकानों में लगी आग। दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड के करीब आधा दर्जन टैंकर्स ने पाया आग पर काबू। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बर्फीले तूफान में लापता 4 जवानों के भी शव मिले। सोनमर्ग के बर्फीले तूफान में सेना के एक मेजर की गई जान। बर्फीले तूफान में अब तक 15 जवान शहीद। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। ऊंचाई वाले कई इलाकों में एवलांच का भी खतरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल के चंबा में ऊंचाई वाले इलाकों में देर से जारी है बर्फबारी। 1 से 1.5 फीट तक जमी बर्फ। ठंड के में इजाफे के साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त। बिजली गुल होने से 10वीं के छात्रों को सता रहा है फेल होने का डर। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से बढ़ा बीमारियों का खतरा। डॉक्टरों की सलाह, बदलते मौसम में ना करें लापरवाही। खुद को पूरी तरह ढक कर रखने में ही है समझदारी। पंजाब हरियाणा में धुंध के भी आसार। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दिखी देशभक्ति की अनूठी मिसाल। -10 डिग्री टेम्परेचर और 4 फुट बर्फ के बीच केलोंग में मनाया गया गणतंत्र दिवस। पुलिस कर्मियों और स्कूली बच्चों के जज्बे को सलाम। हरियाणा में पहली बार आयोजित होने जा रहा है T20 क्रिकेट लीग। 4 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित होंगे कुल 18 मैच। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एंट्री का मिल सकता है सुनहरा मौका।